आज हम उस विभूति को जहां पे याद कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को, जिनका आज 125वां जयंती हम जहां पे मना रहे हैं। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था और उड़ीसा में कटक में वो उनका जन्म हुआ था। और जो बचपन से ही वो बहुत ही एक समाज सेवक के रूप में काम करना चाहते थे और एक दिन वो अपनी माँ के साथ मंदिर जा रहे थे तो उन्होंने माँ को पूछा, माँ जी इस शिवलिंग को जहाँ पानी चढ़ाते हो क्या इनको ठंड नहीं लगती है? तो माँ ने कहा, बेटा इन ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया हुआ है और उसके कारण इन्हें ठंड नहीं लगती है। उसी की शिक्षा लेते हुए उन्होंने भी सुबह काम बस्तर डाल के तप करना शुरू किया और लोगों के बीच में जाकर समाज सेवा करना शुरू की। और जो उनको जेब खर्चा मिलता था वो गरीबों को कभी दवाइयाँ वगैरह जो थी वो हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते थे, कभी किसी को खाने की जरूरत हो उनको खाना प्रोवाइड करते थे। आज हम उनके आदर्शों को, हमें उनके आदर्शों को सीख कर हमें चलना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने कहा था, मुझे आप खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, तो मुझे लगता कि हमारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ी बात थी। जय हिंद, जय भारत।